जैसा कि आप सभी देख सकते हैं फूलों की घाटी हम घूम आए हैं और अब यहाँ से आने वाले हैं बद्रीनाथ। यहाँ पे ऑलरेडी हमारी गाड़ी खड़ी है, देन गाड़ी में बैठेंगे और यहाँ से शायद अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर दूर है। और वैसे भी मंदिर जो है वो 4 बजे तक बंद रहता है एज़ पर द गूगल सोर्स, तो 4 बजे से बाद में पहुँचेंगे ठीक रहेगा। तब तक के लिए देखो भाई, ये रहे हमारे सहपाठी। एक नंबर, फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन और ये रहा भाई आदि जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। क्या कर रहा है भाई? दोनों को संभाल कर रखा है, कंफ्यूज हो जाएगा ना दोनों में से कौन सा संभाल कर क्यों रखना, दोनों पे नाम नहीं आएगा। नंबर लिखा हुआ है ना, नंबर देख लेता हूँ। 403 403 है हमारा और यहाँ से हम पहुँचेंगे लगभग 1.5-2 घंटे बाद मंदिर पे। फाइनली हम आ चुके हैं बद्रीनाथ और बद्रीनाथ में हो रही है बस तगड़ी वाली बारिश और यहाँ से जस्ट बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो यहाँ से कह रहे हैं कि 10 मिनट की दूरी पे है और यहाँ पे हम रूम वूम लेने की तैयारी में हैं। ठीक है, अभी यहाँ से दिख नहीं रहा होगा बट बद्रीनाथ हम अभी जाएंगे। ठीक है, अभी जस्ट निकलेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं रूम वूम में, थोड़ा आराम करेंगे, तब तक तो मैं रूम वूम कराता हूँ। मजे आ रहे हैं जीने चढ़ने में ना। अरे भाई ऊपर है क्या? सो फाइनली हम निकल चुके हैं होटल से और अब जा रहे हैं मंदिर की ओर। मंदिर दर्शन करने के बाद हमारा फाइनली सारा ब्लॉग खत्म हो जाएगा। ये लास्ट एंड फाइनल ऑरेंज वाली कैप, चल चल सही है ऐसे, ये लास्ट एंड फाइनल है। नहीं, ऑरेंज वाली कैप सही लगेगी। तो मंदिर दर्शन करेंगे देन सब कुछ खत्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश हो रही है भाई, जस्ट यहाँ पे हमारा बद्रीनाथ मंदिर है और यहाँ पे बारिश हो रही है और ऑफ रोडिंग चालू है। इनके अनुसार हमें जूते में नहीं आना चाहिए था, पैदल आना चाहिए था मंदिर, पैदल ही जाते हैं। बारिश होती है वरना जैकेट वैकेट में खोल देता, अदरवाइज जस्ट कितने मीटर दूर होगा यहाँ से, 200 मीटर दूर है यहाँ से मंदिर। बाकी तुम ऐसे इंजॉय करो, देखो पीछे से हमारे कुछ दोस्त आवाज मार रहे हैं, मारने दो, वो थक चुके हैं बहुत ज्यादा। ये देखो भाई मंदिर के बाजार, माना के यार नहीं है। यहाँ पे बोर्ड हमें दिख चुका है, माना गाँव कब जाएंगे हम लोग? यहाँ पे हमें बोर्ड दिख चुका है और माना गाँव इस बार हम नहीं जा पाए। ओए एटीएम एटीएम एटीएम, चलो आते वक्त यूज कर लेंगे। ये देखो भाई टोपी पहननी पड़ेगी मेरे को, फोन तो हमारा वाटरप्रूफ है और हॉस्पिटल है बद्रीनाथ टेम्पल है यहाँ से, बस इन्होंने डिस्टेंस नहीं बता रखा, ये थोड़ा सा गलत है, अदरवाइज तो ठीक ही है, लग रहा है आने वाला है। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं केदारनाथ मंदिर के बगल में, ये रहा केदारनाथ, केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर। ओ भाई
ये बद्रीनाथ मंदिर का रास्ता भाई, ये रहा बद्रीनाथ मंदिर। लीड करना पड़ेगा, कुछ कुछ बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा आदि, कुछ कुछ बोलना पड़ेगा भाई। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है मंदिर के पास आके। आओ, मंदिर के पास आके कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मेरे प्रभु कहते हैं इधर रखो भैया, उसमें डालो एक साथ। तो फाइनली केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर दर्शन कर लिया। और ये बढ़ते रहो, आगे आगे बढ़ते रहो, बराबर सारे। सो ब्लॉक एंड ये वही जगह है जहाँ घर गया था। ये वही जगह है जहाँ घर गया था, ये देख रहा है। आदि यार मां बन रहे आदि आने वाला है अभी। ये रहा मेरा दोस्त और भाई ये रहा मैं और ये रहा भी दिखाते तुम्हें, ऊपर से आने वाला है थोड़ी देर में। यहाँ तुम देख सकते हो चला गया ये, अब नहीं आएगा, अभी वीडियो में रहेंगे ना। आएगा ही भी आएगा, आएगा ये तो पक्का आएगा। आया 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 देखो अभी तुम्हें दिखाते हैं, थोड़ी देर में कुछ आने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा
अरे मैं आ गया, मैं सुबह का ही निकला हूँ, 4 बजे का। लेकिन यहाँ अब ये पत्थर वगैरह गिरना शुरू हो गए हैं मेरे आंखों के सामने ही गिर रहे, ये भी नहीं कोई बता संभल के क्या। और पूरा रास्ता जहाँ जो रास्ता है ना, तीनों साइड से मतलब एक ही रास्ते में 3-4 जगह गिर चुके हैं और अभी भी गिरी जहाँ हम रुके वहाँ पे। सो हम लोग फंस चुके हैं यहाँ पे बद्रीनाथ हाईवे की ओर। हम यहाँ से हरिद्वार जा रहे थे और हरिद्वार जाते जाते हम फंस चुके हैं यहाँ पे। लैंड स्लाइडिंग हो रही है कंटिन्यू यहाँ पे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ बैक से, ये फिलहाल तो मेरा दोस्त खड़ा है यहाँ पे, देखो ये पूरी दरार वरार आ चुकी है, बिल्डिंग गिर गई है। और यहाँ से अभी जस्ट हमारे सामने पत्थर गिरा है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा वीडियो डाल के दिखाऊंगा। अब भाई यहाँ पे देख सकते हो आज लग रहा है हम फंस जाएंगे यहाँ पे, हमें जाना था। मैंने सोचा था कि व्लॉग खत्म कर दूंगा, व्लॉग नहीं बनाऊंगा, लेकिन अब हम फंस चुके हैं। आज तो घर नहीं जा पाएंगे, ये चीज़ तो गारंटी है, ना कल पहुँचेंगे ना परसों पहुँचेंगे, 2-3 दिन बाद पहुँचेंगे। और हमारी ऑलरेडी ट्रेन थी वो छूट जाएगी। बाकी तुम देख सकते हो यहाँ पे ये वाला घर गिरा हुआ है, ये पूरा रोड चला गया है और यहाँ से पत्थर कंटिन्यू गिर रहे हैं और यहाँ से साइड का पूरा एक रोड गायब हो चुका है। और ये फिलहाल हम दोनों खड़े हुए हैं, हमारी बस आगे ही खड़ी है। 4 बजे निकला, 1.5-2 घंटे चला उसमें, 12 बजे खाने को है ना। Gracias.